नमस्कार दोस्तों, ट्रेनी एमडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी एमडीयू से रिलेटेड और कॉलेजेस हरियाणा में जैसे भी एडमिशन प्रक्रिया है, तो जो एमडीयू कंसेंट्रिक है कि भाई एमडीयू के कॉलेज में, एमडीयू के बीएड में, एमडीयू की पीएचडी में ऐसे दाखिला लेना है, तो उन सब के लिए यह वीडियो है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, इसमें सारी जानकारी दी जाएंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें, और जो चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन के आइकन प्रेस कर ले। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्वेल्थ वालों की बात करेंगे, क्योंकि ट्वेल्थ वालों के पास दो तीन अपॉर्चुनिटी होती है। पहला तो कॉलेजेस, और दूसरा होता है कैंपस, और तीसरा होता है डिस्टेंस। तो हम तीनों की बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें तो कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस की एडमिशन प्रक्रिया शुरू है भाई। 2 सितंबर तक आप dheadmissions.nic.in इस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद 8 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, और एडमिशन प्रक्रिया आप लोग फीस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके सबमिट करा सकते हैं, जिस भी कॉलेज में आपका नाम आए। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन कैंपस की। तो कैंपस की 31 अगस्त आखिरी डेट है, और इसके फॉर्म आप कहाँ भर सकते हो, admission.mdu.ac.in इस वेबसाइट पे भर सकते हो, और इसके अलावा आप student.mdu.ac.in इस पर भी भर सकते हो, एक ही बात है। अब बात आती है कि इसकी मेरिट लिस्ट कब लगेगी, इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो दोस्तों 1 और 2 तारीख को वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद 3 तारीख को लिस्ट लगेगी, और 3 तारीख को लिस्ट लगेगी उसके बाद जो भी दिक्कत आती है किसी के में, तो उसको मेल करके या डिपार्टमेंट में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। और डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाने के बाद आपकी दोबारा से लिस्ट लगेगी, फिर उसमें भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो अपना आवाज़ उठा सकता है कि भाई मेरी मेरिट लिस्ट में इस स्टूडेंट से नाम पीछे आगे कैसे हुआ या कुछ भी, तो वो आप डिपार्टमेंट में जाकर अपना ये चीज़ उठा सकते हैं। और ये इस चीज़ का भी अगले दिन या उसी दिन शाम को 5 बजे तक का टाइम है, उसके बाद दोबारा मेरिट लिस्ट आएगी ओवरऑल, और आखिरी दिन 8 तारीख को शायद उस दिन लगेगी पहली मेरिट लिस्ट। उससे पहले दोपहर को 12 बजे तो आएगी ओवरऑल मेरिट लिस्ट, जिसमें सभी का नाम होगा। उसके 1-2 घंटे के बाद आएगी मेरिट लिस्ट, जिसमें उन बच्चों का नाम होगा जिनको सीट मिली है। तो इस बात का ध्यान रखना। और सबसे ज़रूरी बात रहेगी, कैंपस और कॉलेजेस जहाँ से भी हो आप, आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपको बेसिक क्या बात देखनी है कि पहली बात तो आपका कोटा कौन सा है। अगर आपका जनरल कोटा है तो सबसे पहले देखिए कि जो आपकी प्रायोरिटी वाला कॉलेज है, डिपार्टमेंट है, कोर्स है, वहाँ पर उस जनरल कोटे की कितनी सीट है। उसके बाद जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें देखिए कि आपका नंबर कौन सा है। अब देखिए कि आपके मान लो MBA 5-year इंटीग्रेटेड में आपने कैंपस में एडमिशन लेना है, और आपकी 5-year इंटीग्रेटेड की मान लो 60 सीट हैं, जनरल की लगा लो 15 सीट जनरल की हैं, तो जनरल की 15 सीट में से आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उसमें आपका 60वां नाम आता है तो आप सोच सकते हो कि आपका बहुत कम चांस है कि आपकी अच्छी किस्मत हुई तभी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर आपका 15 में से 20वां नाम है, और फिर जो एडमिशन आएगा पहले शुरू वाली पहली मेरिट लिस्ट में पहले 15 बच्चों का नाम आ जाएगा, तो उन 15 में से जो एडमिशन नहीं कराएंगे तो उसके बाद आगे अगले नाम आते जाएंगे अगली मेरिट लिस्ट में। तो जिसका 20वें नंबर पे नाम होगा तो उसका इजी चांस है कि आ सकता है। अब बात करते हैं MDU के डिस्टेंस की, UG PG के बारे में, दोनों के बारे में इकट्ठे ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि भाई जो DEB UGC के द्वारा डिस्टेंस के करवाए जाते हैं, तो उनमें फ़िलहाल आखिरी डेट है पड़ी 30 सितंबर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, MDU के अभी एडमिशन के फॉर्म नहीं निकले हैं डिस्टेंस के, लेकिन एक अंदाज़ा सा बताऊँ तो सितंबर के दूसरे हफ्ते में फॉर्म भरने शुरू हो सकते हैं, और इसकी आखिरी डेट भी 30 सितंबर रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो आप अपना सितंबर के 7-8 के अराउंड अटेंटिव रह जाना, और MDU की वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना। इसका भी फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे वो admission.mdu.ac.in, यही वेबसाइट फॉर्म भरने की है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी UG के 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है। आप डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, कैंपस में ले सकते हैं, और डिस्टेंस से करना चाहें तो डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। और अब बात आती है कि अगर आपको MDU के अलावा और किसी यूनिवर्सिटी में कैंपस में पार्ट लेना है, तो दोस्तों कैंपस और कॉलेजेस इनके सबके आपको कॉलेजेस का सेंट्रिक हो रहा है, हरियाणा सरकार अंडर करवा रही है, उसमें आप 5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ चल रही है।
अगर आपको कैंपस में लेना है तो आपको हर कैंपस का अलग से फॉर्म भरना होगा। कुरुक्षेत्र के कैंपस की फॉर्म की डेट भी 31 तारीख की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस की भी 31 तारीख है, और काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ लगभग हर यूनिवर्सिटी के कैंपस के एडमिशन की डेट चल रही है। खानपुर यूनिवर्सिटी महिला उसकी भी डेट 31 तारीख बढ़ा के की गई है, तो आप लोग जहाँ एडमिशन लेना चाहें वहाँ के कैंपस का फॉर्म भर सकते हैं। और डिस्टेंस की भी भाई हर जगह एडमिशन चल रहे हैं फिलहाल, जहाँ नहीं चल रहे वहाँ 10 दिन में चल जाएंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस की जो मान्यता प्राप्त होती है DEB के अंडर, तो उसकी आखिरी डेट है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसी बीच बात आती है BTech, BFarmacy और BArchitecture की बात। इन तीन कोर्सेज की बात करते हैं, इसमें लेटरल एंट्री भी है BTech में और BFarmacy में। तो दोस्तों इनके फॉरम आपको HSTES की वेबसाइट है, आप गूगल पे HSTES.org.in लिखोगे तो आ जाएगी, वहाँ पर इसका एडमिशन प्रोस्पेक्टस है पड़ा, इसकी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। और अगर आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हो तो ये HSTES की वेबसाइट, उसी पर इसका प्रोस्पेक्टस है और MDU का भी उसी से ही थ्री होगा। और अब एडमिशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, मैं आप लोगों को लिंक बता देता हूँ, नोट कर लें, onlinetest.hry.gov.in, ये एडमिशन लिंक है। BTech BFarmacy के लेटरल एडमिशन जो सेकंड ईयर में होते हैं, जिसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और बैचलर इन आर्किटेक्चर का, तो ये सारे UG कोर्सेज हैं। ये इन सारे के अलावा कुछ UG कोर्सेज कुछ बचता नहीं है अभी दोस्तों। MDU के कॉलेजेस के अंडर PG पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन जो लाइकली चांस हैं कि मेरिट के बेस पे ही करवाए जाएं, और कैंपस के PG के एडमिशन जो लाइकली चांस हैं कि एंट्रेंस के बेस पे कराए जाएं, उसका अभी अगले हफ्ते में फाइनल हो सकता है ये। और इसके साथ में BEd के कॉलेजेस में एडमिशन, उसका भी चांस है कि वो मेरिट के बेस पे कराए जाएं BEd के एडमिशन, लेकिन एंट्रेंस वगैरह का सीन जो होता है तो आप लोग को बता देंगे, अभी काफ़ी टाइम है उसके एडमिशन होने में। और क्या कहते हैं MPhil और PhD के, उसके अक्टूबर के शुरू में हो सकते हैं चालू हो जाए रजिस्ट्रेशंस। और क्या डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, जो एक साल के डिप्लोमा होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन फ्रेंच, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेजेस के होते हैं, डिप्लोमा इन साइबर लॉ, ऐसे होते हैं। तो इन सब की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में आपको पार्ट सेकेंड बनाकर समझा दिया जाएगा। तो अभी इनमें से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वालों के भी अक्टूबर के शुरू में होने के चांसेस सितंबर के लास्ट के बाद, तो ये सारी अभी एडमिशन प्रोसेस अभी अगले 10-15 दिन नहीं है, अभी UG की चल रही है। और अभी जो लेटेस्ट आने वाली है वो डिस्टेंस की है बड़ी, जो सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है, और MDU के PG कैंपस की जो सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है। और बात करें तो कॉलेजेस के PG एडमिशन की, कॉलेजेस के PG एडमिशन 20 सितंबर के आसपास से शुरू हो सकते हैं, और MDU के BEd के एडमिशन 20 सितंबर के बाद शुरू कराए जाने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है। तो ये की डेट से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब कौन से एडमिशन हो सकते हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से अटेंटिव रह सकते हैं। एक आइडिया सा लग गया है आप लोगों को कि कौन से एडमिशन कब कराए जाएंगे, तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा, एक बार ध्यान से सुन लेना। धन्यवाद सभी का।